हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन सेकंड डिजिटल क्लासेज और आज हम बात करेंगे आपके ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में अभी कुछ ही दिनों में आपका पेटकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और आपने इसकी तैयारी कर ली होगी ऑलमोस्ट और अगर आपने अभी तक इसकी तैयारी नहीं की है तो आप आपको के लिए, है? तो देखो, आज हम कंप्यूटर साइंस के पैटिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बता रहे हैं इसके टाइपोग्राफी के बारे में यहां पे टोटल चार कैटेगरी में आप पेटिकल्स को डिवाइड किया गया है ठीक है टोटल मार्क्स थर्टी के एग्जाम होते हैं सबसे पहला काम होता है लैब टेस्ट आपका लैब टेस्ट होगा लैब टेस्ट का मतलब प्रैक्टिकली आपको टेस्ट किया जाएगा जहां पे आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे एक सात नंबर का और एक पांच नंबर का सात क्वेश्चन सात नंबर के क्वेश्चंस के सब पार्ट्स हो सकते हैं और ये पांच नंबर के क्वेश्चंस के भी सब पार्ट्स हो सकते हैं तो दोनों ही जगह पे आपको सब पार्ट्स देखने को मिलेगा दोनों ही जगह पे ठीक है अब यहां पे देखिए पाइथन प्रोग्राम है जहां पे आपसे 60 परसेंट आपके लॉजिक के नंबर्स देखे जाएंगे 20 परसेंट आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की

तो देखो आपको लिस्ट टपल्स टिक्सनरी इसके बेस पे कोई प्रोग्राम दिया सकता है कुछ फंक्शंस बनाने के प्रोग्राम भी दिए जा सकते हैं आपको कुछ फंक्शंस डिफाइन करने प्रोग्राम दे सकते हैं या कुछ फाइल हैंडलिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है कि टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करके दिखाओ बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करके दिखाओ रिकॉर्ड को रीड करो या सी फाइल से डेटा को रीड करके दिखाओ पॉसिबल है कि आपको स्टैक एंड क्यू के बेस्ड पे भी क्वेश्चन मिल सकता है कि स्टैक एंड क्यू या लीनियर लिस्ट के बेस्ट पर कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं हैं, इस तरह से सात नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं हो सकता है इसके सब पार्ट भी आपको दे दिए जाए ए और बी के फॉर्म में ओके okay, और सी के फॉर्म में और उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से कर दिया जाए थ्री प्लस टू प्लस टू ठीक है तो या हो सकता है कि सब पार्ट्स कुछ ऐसे हो कि फोर प्लस थ्री हो जाए या सब पार्ट्स ऐसे हो कि फाइव प्लस टू हो जाए तो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मार्क्स मिल सकते हैं उसके बाद देखिए एक प्रोग्राम यहां पे स्मॉल पाइथन प्रोग्राम दैट सेंड अ क्वेरी यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो कनेक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि पाइथन इंटरफेस विथ माई सिक्वल पाइथन इंटरफेस विथ माई सिक्वल अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप अंजीव सिंह अकेडमी डॉट कॉम पे अंजीव सिंह यूट्यूब चैनल पर भी आके मेरे इसी चैनल पर मैंने इसकी वीडियो दे रखी है आप वहां से भी समझ सकते हैं और सीख सकते हैं ठीक है तो एक पाइथन प्रोग्राम जो सेंड अल क्वेरीज टू ए डेटाबेस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ठीक है तो यह आपको यहां पे लिखना हो सकता है मतलब कि आपको हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप सिक्वल के अंदर से रिकॉर्ड को रीड करके दिखाओ मुझे डेटाबेस डेटाबेस के अंदर हो हो अंदर होगा होगा एक एक आपको क्रिएट क्रिएट करना उसके आप टेबल करेंगे करेंगे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट और फिर एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम लिख के आपको वहां से उसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके दिखाना हो सकता है या हो सकता है कि पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कह दिया जाए या हो सकता है कि पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आपको रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए कह दिया जाए या प्रोग्राम के अंदर से आ, किसी तरह के ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो पॉसिबल है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और ये पांच नंबर का आपका क्वेश्चन होगा जहां पे आपको टेबल डेटाबेस को क्रिएट करना है टेबल को क्रिएट करना है डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप टेबल क्रिएट करोगे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और उसके बाद कुछ क्वेरी लिखनी है क्वेरी एक्सिक्यूट करानी है क्वेरी एक्सिक्यूट करानी है विद द हेल्प ऑफ पाइथन पाइथन की मदद से तो यानी कि पाइथन कनेक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे ठीक है और तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे यहां पे टोटल बारह नंबर ट्वेल्व मार्क्स के आपके लैब टेस्ट होंगे अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइटिंग का काम होता है राइटिंग का मतलब हो गया कि आप पहले इन प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे चेक करोगे अपने लैब में जो सिस्टम आपको असाइन किया जाएगा आप वहां पर उसे एक्सक्यूट कराओगे टाइप करके एक्सक्यूट कराओगे और एक्सक्यूट कराने के बाद आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे जो आंसर शीट है वहां पर राइट करोगे इस चीज का हमेशा ध्यान रखना और प्रॉपर राइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए प्रोग्राम होने के बाद ही लिखें या आप अपने टीचर से पूछ लें कि वो कि आपने अभी तक ये कर ली होगी, आपको एक रिपोर्ट फाइल भी तैयार करनी होती है जो रिपोर्ट फाइल ट्वेंटी पाइथन प्रोग्राम्स को अपने पास रखेगा इस ट्वेंटी पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर में चार प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो सीक्वल कमांड्स और डेटाबेस

फाइल्स के बारे में गाइडलाइन चाहिए कि कैसी पैटिकल फाइल होनी चाहिए क्या प्रोग्राम होना चाहिए क्या क्वेश्चन होना चाहिए तो वो आप मेरे वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं अंजीप सिंह अकेडमी डॉट कॉम पे यहाँ पे आपको कुछ पैटिकल फाइल्स के रेफरेंस मिल जाएंगे उसके बाद आती है बात प्रोजेक्ट बनाने की कि हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा अच्छा ये प्रैक्टिकल फाइल आपको सेवन मार्क्स दिला सकते हैं तो इसको आप सीरियसली लेंगे और इसके ऊपर सीरियसली काम भी करेंगे उसके बाद आता है प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या बनेगा तो प्रोजेक्ट क्लास इलेवन टेस्ट होगा और क्या बनाना है तो आप प्रोजेक्ट कुछ भी बना सकते हो किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना सकते हो जहां पर आप पाइथन के कंसेप्ट को यूज करो देखो एक तो नॉर्मल लिस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है डिक्शनरी बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट हो सकता है

थर्टी मार्क्स पूरे -पूरे ले लिए तो, तो ये थर्टी मार्क्स बन जाएंगे आपको हंड्रेड कैसे बनेंगे क्योंकि इसके बाद आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वहां पर अगर आप 70 ले आते हो तो आपके 100 हो जाएंगे लेकिन अगर यहां आपने थर्टी नहीं लिए यहां थर्टी ले लिए तो वो कभी भी हंड्रेड नहीं हो पाएंगे तो ध्यान रखना है कि ये थर्टी ही आपको एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी देती है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बनाती है कि आप हंड्रेड स्कोर कर सकते हो तो इसकी तैयारी प्रॉपर करें ठीक है ऑल द बेस्ट अभी कुछ दिनों में आपका प्रैटिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो ये रहा आपके प्रैटिकल एग्जाम्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कंप्यूटर साइंस का ठीक है ओके थैंक यू